दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों नए ट्रेडर बेचारे ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट के चक्कर में ऐसा फंसते हैं कि 90% उनकी कैपिटल जो है स्वाहा हो जाती है। उनका नुकसान ना हो और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, इसके लिए पिछले दिनों में मैंने कई वीडियोस दिए थे रिगार्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज, जिसमें कि मैंने फ्यूचर और ऑप्शंस को कंबाइन करके भी दिया था। और आज उस कड़ी में ये मैं अगला वीडियो पेश कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूँगा। देखिए, स्ट्रगल तो सब ले लेते हैं बड़े आसानी से, लेकिन उसमें कई दिक्कतें आती हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि स्ट्रगल लेने के बाद कॉल और पुट दोनों ही डाउन जा रहा है, जाना चाहिए एक बढ़े एक घटे, लेकिन होता है कि दोनों ही डाउन हो जाता है। और कभी कभी क्या है कि मार्केट जब साइडवे होता है, थीटा आपका प्रीमियम खा जाता है और काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि स्ट्रगल के बारे में अपने डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की चर्चा करेंगे जिससे कि स्ट्रगल में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़े और नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम हो जाए, और अगर नुकसान हो भी तो बिल्कुल नॉमिनल हो, जो कि नहीं के बराबर हो। तो आज अपने डिस्कस करेंगे लॉन्ग स्ट्रगल स्ट्रेटजी फॉर रेगुलर प्रॉफिट्स। तो स्ट्रेटजी को हम लोग ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपकी रेगुलर प्रॉफिट हो। देखिए, रेगुलर एक बराबर प्रॉफिट होगी ऐसा कहा नहीं जा सकता है, मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है। कभी मार्केट ट्रेंडी रहती है, कभी मार्केट साइड में रहती है। और आपको ये पता होगा कि जो स्ट्रगल स्ट्रेटजी है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। प्रॉफिट क्या नुकसान होता है, लेकिन अपने ट्रिक्स लगाएंगे कि आपकी जो साइडवे मार्केट में नुकसान होने की संभावना है वो न रहे या कम से कम। तो इससे जो है जो नए ट्रेडर्स हैं उनका बहुत फायदा होने वाला है। तो अपना जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक स्ट्रगल स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स विदाउट रिस्क ऑफ लॉस। नुकसान के भय के बिना आप स्ट्रगल लेकर के रोज प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। और इसमें जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू टेक लॉन्ग स्ट्रगल आप बनाएंगे कैसे। उसके बाद में है कि स्ट्रगल स्ट्रेटजी इंट्राडे अच्छी है या PTSD अच्छी है, आपकी ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो सकती है लॉन्ग रन में, PTSD में या इंट्राडे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने को इंट्राडे स्ट्रगल कब लेना चाहिए और PTSD स्ट्रगल कब लेना चाहिए, कौन कौन सी परिस्थितियाँ इनके लिए सुटेबल होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिट कब करना है, कब अपने इंट्राडे स्ट्रगल से एग्जिट कर जाना है और कब PTSD स्ट्रेटजी से। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रगल में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गलतियां हम लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, और क्या करने से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जिनसे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और अगर नुकसान की अवस्था हो तो इसमें क्या अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इन पॉइंट्स पर अपने चर्चा करेंगे और ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है, इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि जमे रहिएगा अंत तक ताकि इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कहीं छूट न जाए। तो चलिए अपने चलते हैं चर्चाओं पर, और उनके चलने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। साथ में ही अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है या किसी बात से आप असहमत होते हैं या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसकी रिप्लाई देने की। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं स्टडी। तो इसमें सबसे पहले अपने इस पर चर्चा करेंगे कि स्ट्रगल लेते कैसे हैं। तो देखिए, स्ट्रगल दो तरह का होता है, एक लॉन्ग स्ट्रगल और एक शॉर्ट स्ट्रगल। लॉन्ग स्ट्रगल में क्या करते हैं कि एक ही स्ट्राइक के कॉल और पुट दोनों बाई कर लेते हैं, और शॉर्ट स्ट्रगल में क्या करते हैं, एक ही स्ट्राइक के कॉल और पुट सेल करते हैं। लॉन्ग स्ट्रगल कब लिया जाता है, जब हमको मार्केट के ट्रेंडी होने का अनुमान हो, यानी कि मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देगी चाहे किसी डायरेक्शन में दे। और शॉर्ट स्ट्रगल कब लिया जाता है, जब हमको मार्केट के रेंज बाउंड रहने का अनुमान हो, यानी कि जब हमको लगे कि अब मार्केट जो है एक रेंज में ही मूव करेगी और साइडवे है, तब हम जो है स्ट्रगल सेल करेंगे। तो यहाँ पे अपने चर्चा का विषय आज लॉन्ग स्ट्रगल है, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रगल में आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगी और जो कॉमन रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग के नाम से बहुत घबराते हैं। कारण यह है कि सेलिंग में मार्जिन अच्छा खासा लगता है, जितना कि रिटेल ट्रेडर्स का बजट नहीं होता। हालांकि मार्जिन कम करने के भी उपाय हैं, उसको हेज करके मार्जिन कम किया जा सकता है, लेकिन सेलिंग में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा तो बाइंग से लगता ही है। और साथ में देखिए, रिस्क फैक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि केवल सेलिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल हो भी तो भी। लॉन्ग स्ट्रगल में क्या है कि मार्केट ट्रेंडी रहेगी तो फ़ायदा होगा, तो मार्केट जो है एक रेंज से अगर बाहर गई तो आपके फ़ायदा होने के आसार पक्के हैं, और जितना मार्केट मूव करेगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, यानी कि उसमें फ़ायदे का कोई लिमिट नहीं है मार्केट के मूवमेंट के ऊपर में। लेकिन शॉर्ट स्ट्रगल में क्या है, एक तो आपकी मार्जिन ज़्यादा लगेगी, और दूसरे एक रेंज से अगर मार्केट बाहर निकली
तो फिर आपके अनलिमिटेड नुकसान होने के आसार बनते हैं। इसलिए अगर सेलिंग कर रहे हैं तो उसको हेजिंग करना जरूरी हो जाता है, वरना एकदम बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए रिटेल बायर्स के लिए आज हम बाइंग के बारे में चर्चा करेंगे। सेलिंग के बारे में जैसा हमने बताया कि एक ही स्ट्राइक में एक कॉल और पुट खरीद लेते हैं एक ही एक्सपायरी के, तो हमारा स्ट्रैडल बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, स्पॉट प्राइस है 1865, 25 तारीख की एक्सपायरी है, हमने क्या किया 18050 का एक कॉल ले लिया और एक पुट ले लिया। इसको लेने के बाद देखिए प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारी 47.92 यानी 48% है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड अनडिफाइंड है। मैक्सिमम लॉस जो है हमारा 18945 है। अब 18945 क्यों है? कारण यह है कि हमने जो 18945 का प्रीमियम यहाँ पे दिया है 122.9 इंटू 50 और यहाँ पे 156 इंटू 50, तो ये सब मिला करके हमारा इतना हो जाता है, मैंने 18945, तो यही हमारा मैक्सिमम नुकसान होगा। इसमें देखिए ब्रेक इवन कितना है, ब्रेक इवन भी काफ़ी लंबा चौड़ा है 18428 और 17672, यानी कि 18428 के ऊपर अगर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट है और 17672 के नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट है। इसके बीच में यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा नुकसान, और इसके बाद देखिए मार्केट चाहे इधर जाए और चाहे इधर जाए हमारा प्रॉफिट। प्राइस की एक्सपायरी इस जून में होगी, इसकी संभावना कम नहीं है। इसकी संभावना आप यहाँ पे देखिए तो 52% है, तो 52% हमको चांस है कि हमारा नुकसान होगा और 47.9% हमारा चांस है कि हमको प्रॉफिट होगा। तो नुकसान भी ये काफ़ी अच्छा है। अब मान लीजिए 18945 19,000 का नुकसान हो गया, जो कि एक रिटेलर के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो नुकसान है थीटा की वजह से है, तो अगर हम थीटा को अपना नुकसान न करने दें तो हमारा इसमें नुकसान नहीं होगा। अब थीटा को हम नुकसान नहीं करने देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके दो उपाय हैं। एक उपाय ये है कि हम लंबी एक्सपायरी का लें, यानी जैसे मई है मंथली एक्सपायरी का लें, या अगर जून का मिले तो हम जून का लें। प्रीमियम प्राइसेस भले ज़्यादा होंगे लेकिन थीटा हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा, यानी कि बहुत नॉमिनल करेगा। और दूसरा, हम मार्केट में ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे। अगर एक महीना रुकेंगे तो हमारा 18945 का नुकसान होगा अगर मार्केट इसी रेंज में एक्सपायर हुई तो। लेकिन अगर हम एक दिन के अंदर एग्जिट कर गए, जैसे यहाँ नंबर ऑफ डेज है, तो नंबर ऑफ डेज में मान लीजिए हम दो दिन के अंदर एक्सपायर किए, अब दो दिन के अंदर एक्सपायर करेंगे तो हमारा नुकसान कितना होगा 871। सोचिए कहाँ 18945 और कहाँ नुकसान कितना 871, जमीन आसमान का फर्क है। और अगर मान लीजिए हम एक ही दिन में निकल जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा 500 रुपये, तो कहाँ 18945 और कहाँ 500 रुपये। और यहाँ पे देखिए हमारा रेंज कहाँ तक आ गया, 17897 से 18112, 18065 पे निफ्टी चल रही है और 18112 के ऊपर गई तो हमारा प्रॉफिट है। यानी लगभग 55 पॉइंट अगर निफ्टी चली गई ऊपर नेक्स्ट डे तो हमारा प्रॉफिट है। और उसी तरह 17897 यानी कि नियरली 18900 पे हमारा प्रॉफिट है, यानी कि 150 अगर निफ्टी नीचे गई तो नीचे के साइड में हमारा प्रॉफिट है। तो अब इधर 150 पॉइंट और इधर केवल 55 पॉइंट, अब देखिए इधर बेयरिश साइड में हमारा ज़्यादा नुकसान है, बुलिश साइड में हमारा कम नुकसान, ऐसा क्यों है? कारण यह है कि यहाँ पे स्पॉट है 18065 और हमने लिया है 18050, तो जो 14-15 पॉइंट का गैप आ रहा है उसी की वजह से हमारा बेयरिश साइड में नुकसान ज़्यादा हो। इस प्रकार से अगर हम इसको इंट्राडे या BTST लें तो हमारे नुकसान भी काफ़ी कम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 का नुकसान होगा और हमारे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए इस स्ट्रेटजी जब भी लीजिए तो महीने भर रुकने का कोई सरोकार नहीं है, एक दिन दो दिन के अंदर में आप निकल जाइए जो प्रॉफिट होता है, और मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। कारण यह है कि महीने भर के 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 12-13 दिन तो निफ्टी अच्छे खासे गैप अप गैप डाउन में ओपन होता है, और जिस दिन गैप अप गैप डाउन नहीं होता है उस दिन अच्छे ट्रेंड में रहता है। उसी दिन ऐसा होता है जिस दिन निफ्टी जितने पे ओपन हुआ उतने पे ही सारा दिन रेंज में रहता है। तो हफ्ते में एक दिन भी अगर आपको अच्छा खासा गैप मिल गया या ट्रेंड मिल गया तो समझ लीजिए कि महीने भर की कमाई जो है वो आपका BTST में हो जाएगी। तो अपने को लेना कब है ट्रेड? अपने को ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट अच्छी खासी ट्रेंडिंग रहे। मार्केट के जब साइड होने के आसार हैं, साइड में जाने के, तो फिर अपने को कभी भी स्ट्रेडल नहीं लेना चाहिए। जब मार्केट के ट्रेंडी होने के आसार रहें तभी अपने को स्ट्रेडल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं है तो आपका नुकसान होगा। अब मार्केट में मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, इसको पकड़ने का मैं एक बहुत इजी आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप बोलिंजर बैंड लगा दीजिए 20 SMA या EMA का विद वन डेविएशन, डेविएशन जनरली दो का रहता है, आप एक का लगा दीजिए और आप देखिए कि बोलिंजर बैंड कहाँ कहाँ स्क्वीज हो रहा है। जहाँ बोलिंजर बैंड स्क्वीज किया वहाँ आपको ट्रेंड मिला। जैसे देखिए यहाँ पर बोलिंजर बैंड स्क्वीज किया, यहाँ पर स्क्वीज किया, यहाँ पर आपको ट्रेंड मिला, यहाँ पर स्क्वीज किया, यहाँ पर आपको ट्रेंड मिला, यहाँ पे देखिए स्क्वीज किया, यहाँ आपको कितना बढ़िया ट्रेंड मिला, यहाँ पे देखिए स्क्वीज किया ट्रेंड मिला, यहाँ पे स्क्वीज किया ट्रेंड मिला, यहाँ पे स्क्वीज किया अच्छा खासा ट्रेंड मिला। तो बोलिंजर बैंड जब भी स्क्वीज होगा
तब भी आपको अच्छा ट्रेंड मिलेगा। इस मामले में देखिए एमएससीडी भी आपको काफ़ी मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? जहाँ भी आप देखिएगा एमएससीडी जीरो लाइन के आसपास में है, वहाँ पे देखिए आपको अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा। यहाँ देखिए जीरो लाइन के आसपास है, बहुत अच्छा ट्रेंड मिला। यहाँ जीरो लाइन के आसपास है, देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड मिला। यहाँ जीरो लाइन के आसपास है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिला। यहाँ जीरो लाइन के आसपास है, यहाँ भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिला। तो एमएससीडी और बोलिंजर बैंड से आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों का ही ट्रेंड का पता लगा सकते हैं और मोमेंटम का पता लगा सकते हैं। अब बीटीएसटी और इंट्राडे में दोनों में ज़्यादा फायदेमंद कौन है? तो देखिए बीटीएसटी में आपको कुछ एडेड एडवांटेज मिल जाते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई? जितना ज़्यादा रुकोगे उतना थीटा आपका नुकसान देगा। लेकिन एडवांटेज क्या है? आपको गैप अप गैप डाउन आदि का फ़ायदा मिल जाएगा। मान लीजिए आज आपने ट्रेड लेकर के छोड़ दिया और कल प्राइस जो है 150-200 के गैप अप में खुला या गैप डाउन में खुला, तो उस वक्त आपको काफ़ी एडेड एडवांटेज मिलेगा इसका। तो बीटीएसटी मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदेमंद है देन इंट्राडे, क्योंकि उसमें मोमेंटम का बेनिफिट तो मिलेगा ही प्लस गैप्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा, जबकि इंट्राडे में आपको केवल मोमेंटम का ही बेनिफिट मिलेगा। अब स्ट्रैडल से एग्जिट कब कर जाना चाहिए? जब आपको लगे कि मार्केट साइडवे हो रहा है तो एग्जिट हो जाइए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ अगर आपने लिया इस जगह से लेकर के इस जगह तक आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और उसके बाद इतना बेनिफिट यहाँ से यहाँ तक का आपने ले लिया, तो फिर आप तुरंत ट्रेड से निकल जाइए, आपको ज़्यादा स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवे हो गया, आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से जब अगेन आपको ब्रेकआउट मिला फिर आप एंट्री कीजिए। और यहाँ पे देखिए एमएससीडी ने भी आपको सिग्नल दिया, बोलिंजर बैंड ने भी यहाँ पे स्क्वीज होने के बाद में पेंशन दिखाया, तो आपके लिए बिल्कुल एंट्री का मौका था। और उसके बाद देखिए आपको दूसरे दिन गैप अप का भी बेनिफिट मिलता और ट्रेंड का भी बेनिफिट मिलता। तो स्ट्रैडल में हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि आप एक्सपायरी कभी भी नज़दीक की मत लीजिए, वीकली एक्सपायरी तो मत लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। मंथली एक्सपायरी में आप काफ़ी सेफ प्ले करिएगा, खास करके शुरुआती 2 हफ्ते में थीटा डीके आपका काफ़ी स्लो रहेगा और उसमें आप जो है अच्छा खासा बेनिफिट कमाएंगे। लास्ट के 2 हफ्ते में थीटा डीके तेज हो जाता है और अंतिम हफ्ते में तो आप बिल्कुल ही इस एक्सपायरी में मत लीजिए, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जाइए, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी। और अगर मान लीजिए आपके पास में बजट का अभाव है, मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम आपको काफ़ी महंगे लग रहे हैं, तो वीकली एक्सपायरी में अगर आप लीजिए तो भी उसमें इस हफ्ते की नहीं लेकर के नेक्स्ट वीक की लीजिए, ताकि उसमें थीटा डीके आपको कम। बुधवार के बाद मत रहिएगा, बुधवार के बाद फिर उसके नेक्स्ट की स्ट्रेटजी ले लीजिए। इस तरह से हमेशा आप एक्सपायरी से दूर होते रहिए ताकि थीटा आपका नुकसान कम से कम पहुंचा सके। स्ट्रैडल में बिल्कुल आप स्नाइपर की तरह से एंट्री लीजिए, जब मोमेंटम आए एंट्री ले लीजिए और जैसे ही मोमेंटम खत्म हो बेच के निकल लीजिए। इसमें क्या है कि लॉन्गर स्टे करने से आपका फिर नुकसान होगा। तीसरी सावधानी क्या रखनी है कि जब आपने स्ट्रैडल लिया तो जब तक आपको बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं मिलता है तब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। आपने कॉल और पुट दोनों बाई किया, मार्केट एक तरफ में भागा, आपको 100% कंफर्म हो गया कि मार्केट इस साइड भागेगा, तब आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे साइड को एग्जिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि दूसरे साइड में जितना नुकसान हुआ हो गया, अब उसके बाद में दूसरे साइड में फर्दर आपका नुकसान नहीं होगा। उससे क्या होगा कि जिस साइड मार्केट भाग रही है उस साइड का फुल बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्टर स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ, तो उसके पहले ही दूसरा साइड जो है स्टॉप लॉस हिट करा दिया, तो ये भी हो सकता है जिस साइड का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है वो घूम करके डाउन साइड जाए और वहाँ स्टॉप लॉस हिट करा दे। इसलिए जब तक आपको एकदम श्योरिटी के साथ में ट्रेंड नहीं पता लग जाता कि किधर भाग रहा है, तब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और कॉल और पुट दोनों को ही रखेंगे। तो ये तो हो गई सावधानियाँ कि हमको क्या क्या रखने हैं, क्या क्या नहीं है। अब उसके बाद में क्या ट्रिक है जिसके वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है? तो ट्रिक नंबर 1 कि आप नज़दीक की एक्सपायरी नहीं लेंगे, आप लॉन्गर एक्सपायरी लेंगे, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ट्रिक नंबर 2, जब आपको ट्रेंड क्लियर हो जाए तो आप दूसरे साइड से एग्जिट हो जाइए ताकि वहाँ का प्रीमियम और ज़्यादा न गिरे। ट्रिक नंबर 3, यहाँ पे देखिए आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितना है, 32.99, मैक्सिमम लॉस कितना है 500 और यहाँ पे ब्रेक इवेंस कितना है 17897 18112, ये एक दिन का है। और अगर आप मंथली एक्सपायरी का लीजिए तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 47.94, मैक्स लॉस 18945 और ब्रेक इवेंट 18428 और 17672। अपने क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हेज कर सकते हैं लॉन्ग आयरन फ्लाई बना करके। कैसे हेज कर सकते हैं? 18050 का अपने कॉल और पुट दोनों बाई कर लिए हैं, अब अपने 500-500 दूर की स्ट्राइक जो है बेच सकते हैं। जैसे 18050 है तो यहाँ से 500 दूर कितना हुआ 18550, तो यहाँ पे 18550 का अपने सी बाई कर लेंगे, सॉरी
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फ्लिप कर लेंगे, सेल करेंगे, बाई नहीं करेंगे, और उसके बाद में अपने 17,450 का पीई ये सेल कर देंगे। और अब देखिए, अब यहाँ पे आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितना हो गई, 56.44, और यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस था वो कितना हो गया, 15,448, लॉस भी घट गया। और आपका ये रेंज कितना था, देखिए रेंज भी 100 100 पॉइंट घट गया। तो इस प्रकार से हमारी प्रॉफिट भी बढ़ गई, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई, हमारे मैक्सिमम लॉस की लिमिट भी घट गई और हमारा रेंज भी घट गया, यानी कि हमारे प्रॉफिट में आने के चांसेस अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गए। तो वो तो एक महीने में हो गया। और ये देखिए, ये BTST के लिए, यानी हमने कल लिया और आज हमको एग्जिट करना है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे नुकसान जीरो हो गए। जहाँ पे हमारा मैक्सिमम नुकसान हो रहा था वहाँ भी देखिए हमारा 47-48 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो अब मार्केट कहीं भी आए कहीं भी जाए, हमारे लिए भय नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तो अपने लॉन्ग आयरन फ्लाई बना करके भी नेक्स्ट डे एग्जिट होकर के अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों, कोई नुकसान वाली बात नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आप इन सब सावधानियों का ख्याल रखेंगे, जब आपने आयरन फ्लाई बना दिया तो मार्केट अगर वहाँ भी रहेगी, उसी रेंज में रहेगी, तो भी आपको कोई नुकसान होने का खतरा नहीं है। तो आप इसको डेली ले सकते हैं या BTST ले सकते हैं, जैसा मोमेंटम रहे वैसा लीजिए और अच्छी खासी प्रॉफिट कमाइए, रोज कमाइए, बिना नुकसान के डर के कमाइए, और महीने में अच्छी खासी प्रॉफिट खड़ी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपके नुकसान को एकदम समाप्त कर देगा, और आप जब नुकसान नहीं होगा तो जो होगा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ये नए ट्रेडर्स के लिए और इवन पुराने ट्रेडर्स के लिए भी रामबाण का काम करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।